पिछले हफ्ते नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई वेब सीरीज IC 814 द कंधार हाईजैक पर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। इस वेब सीरीज ने 1999 में आतंकवादियों द्वारा इंडियन एयरलाइंस की प्लेन पर हाईजैक को लेकर चर्चा फिर से ला दिया है। इस प्लेन हाईजैक में शामिल लोगों को खासकर पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी ISI की भागीदारी को लेकर बहस तेज होती जा रही है। 1999 में पाकिस्तान में भारत के हाई कमिश्नर रहे गोपाल स्वामी पार्थसारथी ने कहा कि इस प्लेन हाईजैक में पाकिस्तान पूरी तरह से सम्मिलित था। इसी बीच कई लोगों का बयान सामने आया है। तो वही बता दें कि विवाद के बीच हाईजैक में जीवित बचे राकेश कटारिया ने 5 सितंबर को मीडिया से बात की। उन्होंने नामों को लेकर कंट्रोवर्सी पर भी बात की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वे इस वेब सीरीज को नहीं देखेंगे क्योंकि वह फ्लैशबैक में नहीं जाना चाहते। क्या कुछ कह रहे हैं राकेश कटारिया, सुनिए। पहले तो लोग नहीं डरे थे, हम सब जो है उसमें, क्योंकि न्यूली कपल थे सारे उसके अंदर, क्योंकि वो सारा हनीमून कपल सारा ही भरा हुआ था उसमें 80-90% जो है, तो उसके अंदर फिर लोगों को जब 3-4 दिन के बाद, 2 दिन, 1 दिन के बाद हमें काफ़ी महसूस हुआ कि हाँ ये हाईजैक और बड़ा, पर हमें नहीं पता था कि बाहर इतना कुछ हो रहा है। हमें तो जस्ट सिंपल फिल्मों में देखा था, वही चीज़ थी जो है एक कि इस चीज़ की हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है। जिसका बच्चा या जिसका कोई फादर मदर कोई रिलेटिव उसके अंदर है तो उसको अपनी जान सबसे प्यारी है, फिल्मों में ये होता है, बट रियलिटी में क्या है क्या नहीं वो एक अलग इश्यूज हैं, और रियलिटी और फिल्मी में फ़र्क है इसके बारे में। देखिए मेरे मानने या ना मानने से ऐसा कुछ नहीं है, उस टाइम जो था गवर्नमेंट ने किया होगा, जो स्टेप लिया होगा सोच समझ के लिए होगा, वो बड़े इतने पॉलिटिकल बंदे थे, इतनी सोच वाले गहरे बंदे थे, उन्होंने लिया होगा जो स्टेप लिया होगा गवर्नमेंट के अपने इंडिया के हित में लिया होगा, जो भी लिया होगा। फिल्म भी आ रही है सर इसके ऊपर और उसके ऊपर भी बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है। हाँ देखिए एक फिल्म जो आजकल सुन नेटफ्लिक्स पे एक आ रही है IC 814, पर मैंने नहीं देखनी और ना मैं देखूंगा, क्योंकि मेरा फिर वो द्वारा फ्लैशबैक उसमें पहुंच जाता हूं तो मैं नहीं देखूंगा। बड़ी मुश्किल से वो रिकवरी हुई है तो मैं उसको देखना नहीं चाहूंगा जो है। फ्लैशबैक में चले जाते तो किस तरीके का, फिर वही पुराने वही दिन वही पुराने जैकिंग, वो जैसे कोई भी चीज़ आ जाती है दोबारा रिक्शनडल होती है, तो वो चीज़ नहीं मैं देखना चाहता। अभी आपके कितने बच्चे हैं? मेरे बेटा बेटी हैं मेरे जो है। उनको बताते हो आप किस तरीके से? हाँ देखिए शुरू शुरू में जब सब कुछ उनको, तो फैमिली को तो सब पता ही है, मेरे फैमिली बच्चे जो है सबसे नियर डियर होते हैं उनको पता है, उनको बताया सब कुछ मैंने जो है, बट अब दोबारा उस चीज़ को मैं नहीं करना चाहता जो है। जैसे आप अंदर थे आपकी फैमिली को पता था कि आप पैसे से फंसे हैं? नहीं उनको इतना बाद में पता चला, पहले इतना नहीं मालूम था कि हम कहाँ हनीमून के लिए गए हैं कहाँ नहीं वो, पर बाद में तो पूरा ही ऐसे पूरा ही शॉप पूरा हो ही गया, सारी सारी में ही पता चल गया, पर पूरे इंडिया में ही हो गया। तो टोटल कितने हाईजैकर्स थे उसमें? वही 4 थे हमारे जो हैं, 5 थे उसमें जो हैं, 5 हाईजैकर्स से। जैसे वो आजकल ये कंट्रोवर्सी बड़ी है कि नेम की, कि ऐसा नेम था वो सुनने में आया मैंने, क्योंकि मैंने देखी तो नहीं है बट मूवी, बट कंट्रोवर्सीज बहुत आ रही हैं उसमें जो है। हाँ बेचारे उन्होंने निक नेम रखे हुए थे उसको अपने, जैसे हम किसी का भी अपना नाम उन्होंने एक बदल के नाम रखे हुए थे, बट रखे हुए थे जेन्युइन जो नाम थे, जो रियल नाम वो और होंगे उनके जो हैं, बट जो उन्होंने निक नेम रखे हुए थे वो यही थे। जिस टाइम आपको छोड़ा गया तो उन्होंने क्या कुछ मैसेज दिया, कुछ किस तरीके? नहीं ऐसा जो, क्योंकि मैसेज दिया बट हम तो इतने खुश थे, हमने उन चीज़ों के वक्त देखा ही नहीं, जब जसवंत सिंह जी जो हमें लेने आए थे, तो हम 8 दिन के बाद जब हम उठे हैं तो मैसेज तो वही था, वो बेसिकली इस्लाम को अपनाने के लिए कह रहे थे बार बार जो अंदर जो है, वो अपने एक उनकी थी, ऐसा कुछ नहीं है बाकी। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए पंजाब केसरी .com को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।